नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है क्रिस्पी चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स, जिन्हें हम नगेट्स भी कहते हैं और जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और इन्हें बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। ये एक ऐसा नाश्ता है जिसे आप तुरंत बना सकते हैं। जैसे घर में कोई गेस्ट आ जाए और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं, तो घर में सूजी और आलू हमारे अधिकतर मौजूद ही होते हैं, तो उससे हम ये स्नैक आसानी से बना सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम नगेट्स बनाने में यूज़ होने वाली सभी चीज़ों को देख लेते हैं। उसके लिए लेंगे हम उबला हुआ आलू, सूजी, पानी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, बारीक कटा हुआ धनिया, ऑयल, चिली फ्लेक्स, लहसुन और थोड़ा सा नमक। तो सबसे पहले हम सूजी का एक डो तैयार करेंगे। उसके लिए लेंगे हम कोई भी कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे, फ्लेम को रखेंगे यहाँ पे हम लो टू मीडियम। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, जैसे कि मैंने ग्रेट कर लिया है। लहसुन को हमें इसमें सिर्फ आधे मिनट के लिए फ्राई करना है, जिससे कि इससे का कच्चापन निकल जाएगा। लहसुन फ्राई हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। हमें इसमें और कोई मसाले नहीं डालना है, इन दो चीज़ों का ही फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप पानी, क्योंकि सूजी भी हम आधा कप लेंगे तो हमने पानी भी उसके बराबर ही लिया है। आप कोई भी एक कटोरी का नाप बना लीजिए, उससे ही आपको दोनों चीज़ें लेनी है, अनुपात का ध्यान रखें। पानी को बॉयल होने देंगे, अब इसमें डाल देंगे हम नमक 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी। सूजी ये मैंने बारीक वाली ली है, अगर आप पास सूजी बारीक नहीं हो, मोटी हो, तो आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें 2 मिनट के लिए, वो आपकी सूजी बिल्कुल फाइन हो जाएगी। उसके बाद ही इसमें डालें, लगातार चलाएंगे, इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे लगातार चलाने से, बिल्कुल ये एक डो के जैसा हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 उबले हुए आलू, जिनको कि मैंने ग्रेट कर लिया है। आलू के साथ सूजी को अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर इसमें कोई लम्स वगैरह होंगे तो उन्हें भी हम मैश कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकालने के बाद इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, इसे फैला देंगे इसके अंदर में, जिससे ये जल्दी ठंडा होगा। अब ये इतना ठंडा हो गया है कि इसे हम आराम से छू पा रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून अरारोट और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। अगर आपके पास अरारोट नहीं हो तो आप इसकी जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं या फिर आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं इतनी क्वांटिटी में। अगर आपको ये ज़्यादा गीला लगे तो इसमें आप थोड़ा सा अरारोट और भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसे नीट करेंगे जिससे ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। अरारोट डालने से इसमें अच्छी से बाइंडिंग आ जाती है। देखिए ये तैयार हो गया है, अब इसमें से हम थोड़ा सा पीस लेंगे और इसको इस तरीके से हाथ से इसका लंबा रोल बनाएंगे और इसे किचन काउंटर या चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के इस तरीके से फैलाएंगे। इसी तरीके से हमें इसका रोल बनाना है। देखिए ये हमारा रोल तैयार हो गया है, अब इसे कट करेंगे। हमें इतने बड़े बड़े पीस काटने हैं, इसके आधे आधे इंच के मैंने इसके टुकड़े काट लिए हैं। आप चाहें तो थोड़े से बड़े भी काट सकते हैं, बाकी का पीस हटा देंगे छोटा जो होगा। अब देखिए इसे हाथ से इस तरीके से हमें थोड़ा सा प्रेस करना है और इसका इस तरीके से हमें चौकोर पीस तैयार करना है। इसी तरीके से हम सारे नगेट्स तैयार करेंगे। लीजिए हमारे ये सारे नगेट्स तैयार हो गए हैं, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले से ही गर्म होने रख दिया था, अब इसमें पहले हम एक नगेट्स डाल के देखेंगे। अब ये आराम से इसमें फ्राई हो रहा है, अब बाकी के सभी नगेट्स को डाल देंगे। पहले हम एक इसलिए डाल के देखते हैं, बाई चांस अगर ये फट रहे हों तो पता पड़ जाता है हमें कि ये फट तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा नगेट्स पहले वाला आराम से सिक रहा है, इसलिए इसमें हम बाकी के डाल देंगे।
बहुत ज़्यादा भरेंगे नहीं इसको। अभी ने हम मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे। शुरू के हम 3-4 मिनट इन्हें नहीं छेड़ेंगे, उसके बाद में इन्हें इस तरीके से उलट पुलट करेंगे जिससे ये चारों तरफ से एक जैसे फ्राई होंगे। इन्हें सिकने में सिर्फ 5 से 6 मिनट का समय लगता है। इन नगेट्स में गार्लिक और चिली फ्लेक्स की वजह से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये हर जनरेशन के लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं। इन नगेट्स को फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। साइड से इस तरीके से लगा के रखेंगे जिससे कि इनका सारा ऑयल निकल जाएगा। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए आप, हमारे नगेट्स कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर में सिक के तैयार हुए हैं। सभी नगेट्स को निकाल लेंगे क्योंकि सभी सिक चुके हैं। इसी तरीके से हम अपने सेकेंड बैच के नगेट्स को भी फ्राई करके तैयार करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हम शुरू में मीडियम टू हाई रखेंगे। डालने के बाद में हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इन्हें बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। जैसे हमने पहले वाले सेके थे बिल्कुल उसी तरीके से हमें इन्हें फ्राई करना है। लीजिए, हमारे सेकेंड बैच के नगेट्स भी तैयार हो गए हैं। देखिए आप, आधा कप सूजी और 2 आलू से हमारे कितने सारे नगेट्स बन के तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें सर्व करेंगे। आप इन नगेट्स को हरी चटनी, टोमेटो केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए, ये बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं। इन नगेट्स को फ्राई करने में ऑयल बहुत ही कम लगता है, ये बिल्कुल भी तेल नहीं पीते हैं। आप देखिए, मैं इनको आपको उछाल के दिखा रही हूँ, ये कितने क्रिस्पी बने हैं, एकदम से क्रिस्पी नगेट्स बने हैं और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। अब आप इन्हें बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की क्रिस्पी चिली गार्लिक पोटैटो नगेट्स की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।